हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट की टोटल सी चल रही है, तो ऐसे कि हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पार्ट थ्री है। इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने हमारे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखा था एंड टेम्पलेट सेटअप की थी, और इसके लास्ट ट्यूटोरियल में हमने कॉमन टेम्पलेट सेटअप की थी जिसमें हमने राउटिंग की थी इसकी डैशबोर्ड की, एंड डैशबोर्ड के साथ इसकी कैटेगरी सेक्शन पर आने की हमने पेज बनाया था। अगर आपने इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखे तो मैं उसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने अभी तक का यहाँ तक का सेटअप कैसे किया है। इसके आगे आप उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप इसके दो प्रीवियस वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने प्रीवियस ट्यूटर में टेम्पलेट सेटअप कर दी थी, लेकिन यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में थोड़ी स्पेस आ रही है। ये जब पूरा पेज भरा जाएगा तो अच्छी नहीं लगेगी, तो हमें इस स्पेस को खत्म करना है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं हमारी फाइल पर, और यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा कंटेनर, जिसे आप कर दीजिए कंटेनर फ्लूइड। बूटस्ट्रैप की क्लास होती है ये, एंड इसे भी कर दीजिए कंटेनर फ्लूइड, एंड अगेन रिलोड करेंगे तो ये देखिए ये प्रॉपर हो चुका है। अब हमें यहाँ पर पूरा हमारा सेक्शन बनाना है जहाँ पे ये हमने रेंडम वर्ड लिखा है। यहाँ पर हमारी टेबल आएगी एंड बटन आएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर बनाने होंगे कार्ड। बूटस्ट्रैप में कार्ड होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लास यूज करना है ड्यू एंड क्लास, और यहाँ पे होगा कार्ड एंड यहाँ पर हमें देना होगा ड्यू डॉट कार्ड हेडर। इसी तरीके से ड्यू डॉट कार्ड बॉडी एंड कार्ड हेडर में यहाँ पर हम एक एंकर टैग रखेंगे, इसे हम फिलहाल देंगे हैश, एंड यहाँ पे हो जाएगा एड न्यू, और इस पर हम देंगे यहाँ पर क्लास btn btn हाइफन इन्फो एंड सेव करके अगेन हमसे करते हैं रिलोड। ये देखिए अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये कार्ड हेडर हो गया और ये कार्ड बॉडी हो गई है। अब हमें इसे राइट साइड में मूव करना है, तो इस पर हम एक क्लास लगाएंगे जिससे राइट साइड मूव होगा, तो हम इस पर करके देखते हैं कौन सी क्लास वर्क करेगी। तो यहाँ पर हम बटन को इंस्पेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे फ्लोट राइट, राइट तो फ्लोट राइट इसे वर्क करेगी, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं फ्लोट राइट एंड इसे सेव करते हैं एंड इसे हम करेंगे रिलोड। तो देखिए हमारी जो बटन है वो राइट साइड में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बटन सेटअप हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक टेबल लगाना है जिस टेबल में हम कैटेगरी को डिस्प्ले करेंगे। तो कैटेगरी के लिए हम बूटस्ट्रैप की डेटा टेबल यूज करेंगे। मैं आपको बताता हूँ बूटस्ट्रैप की डेटा टेबल होती कैसी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप मेरी वेबसाइट पर जब आएंगे तो आप इसे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर डेवलपमेंट कोड स्क्रिप्ट सेक्शन है, यहाँ पर आप जब जाएंगे एंड इसे आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगी बूटस्ट्रैप डेटा टेबल। ये देखिए बूटस्ट्रैप डेटा टेबल है, आप इसे रीड मोर पर क्लिक करेंगे एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको एक जिप डाउनलोड हो जाएगी, आप इस जिप को करें कॉपी हम इसे करते हैं कट, और इसे ले चलते हैं हमारे फोल्डर के अंदर जहाँ पे जेम एंड ये हमारा लारावेल प्रोजेक्ट एंड यहाँ पर इनसे करेंगे पेस्ट एंड इसे हम यहाँ पे करते हैं एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे ऐसे करेंगे एक्सट्रैक्ट। ये देखिए हमारी बूटस्ट्रैप डेटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, इसे हम यहाँ पर रन करेंगे तो देखिए डेटा बिल्कुल इस तरीके की होती है जिसमें आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं। पहले आपको यहाँ पर शॉर्टिंग ऑटोमेटिक मिल जाती है, साथ ही साथ आप इसमें सर्च कर सकते हैं जिसमें 5.5 बार आप ऐसे एलिमेंट चाहते हैं, तो यहाँ पर आप टाइप करें 5.5 तो देखिए वो आ जाएंगे जिनके अंदर 5.5 आपको मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 5.5 मिल रहा है, यहाँ पे 5.5 है, 5.5 इसलिए यहाँ पर आ चुका है। अगर आप इसे क्लियर करेंगे तो ये हट चुका है, साथ साथ आपको यहाँ पे पेज लिस्ट में मिल जाते हैं, तो आपको ये सारे फीचर आपको एक डेटा टेबल में मिलते हैं, इसलिए हम डेटा टेबल यूज करेंगे। तो डेटा टेबल यूज करने के लिए हमें इस फाइल को ओपन करना होगा सबसे पहले, तो हम यहाँ पर अदर फाइल्स को क्लोज कर देते हैं, केवल कैटेगरी की फाइल रखते हैं एंड ओपन करते हैं हमारी डेटा टेबल की फाइल। इसके लिए हम जाते हैं हमारे रूट पर, और ये देखिए डेटा टेबल के अंदर आने पर
आपको यहाँ डेटा टेबल की फाइल मिलती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दोनों सीएसएस फाइल कॉपी करना है और इस सीएसएस फाइल को लगाना है आपको अपने प्रोजेक्ट की एक लेआउट में। एंड यहाँ पर टॉप पर जाना है आपको एंड कस्टम फाइल के जस्ट पहले आपको इसे कर देना है पेस्ट। इस तरीके से अगेन आना है आपको एंड अब इसके बॉटम सेक्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको कुछ स्क्रिप्ट मिलेगी तो आपको ये तीन स्क्रिप्ट कॉपी करना है। एक स्क्रिप्ट आपके इसमें ऑलरेडी है तो आपको केवल दो स्क्रिप्ट कॉपी करना है डेटा टेबल की एंड इसे आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आना आपको आपकी ए फाइल के अंदर एंड सबसे बॉटम में इसे भी यहाँ पर कर देना है पेस्ट। इसी के साथ आपको एक और कोड मिलेगा जो डेटा को इनिशियलाइज करेगा तो आपको इसे भी कॉपी करना है एंड इसे भी यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसी के साथ आपको अब डेटा टेबल का एचटीएमएल कॉपी करना है तो आप यहाँ से टेबल कॉपी कर सकते हैं। तो ये टेबल टेक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम पूरी टेबल कॉपी नहीं करेंगे केवल पर्टिकुलर पार्ट कॉपी करेंगे। तो यहाँ से हम करते हैं हेडर और बॉडी का थोड़ा सा सेक्शन। हम कर लेते हैं फिलहाल एक ही टीआर कॉपी करते हैं एंड इसे हम यहाँ पे करते हैं हमारे इसमें पेस्ट कैटेगरी फाइल में जहाँ पर है हमारी कार्ड बॉडी। तो हम यहाँ पे इसे करेंगे पेस्ट। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा डिसअलाइन हो चुका है तो हम इसे अलाइन कर लेते हैं। ये देखिए अब हमारा टेबल हेड तो क्लोज हो रहा है, हमें यहाँ पे सबसे क्लोज करना है टेबल की बॉडी देन टेबल बॉडी और टेबल बॉडी के जस्ट बाद यहाँ पे देंगे टेबल। सेव सेव करने के बाद हम इसे अगेन करते हैं रिलोड। तो देखिए हमारी टेबल प्रॉपर यहाँ पे बन चुकी है। यहाँ पर अगर हम कुछ लिखते हैं तो देखिए सर्च कर रहा है, पेजनेशन भी आ रहा है। अब हमें यहाँ पे कॉलम मैनेज करना है क्योंकि हमारी कैटेगरी में इतने कॉलम तो नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देंगे नंबरिंग होगी लिस्ट की तो यहाँ पर हम दे देंगे हैश जिसके अंदर नंबरिंग आएगी हैश। देन इसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे नाम आएगा यहाँ पे कैटेगरी का, इसी के साथ यहाँ पर दे देंगे सेक्शन एंड यहाँ पर भी हम कुछ देखे देते हैं। पहले वाले हमारे पास होगा वन देन यहाँ पर नेम हियर एंड इसके बाद हमारे पास एक्शन। तो यहाँ पर एक्शन में हम कुछ बटन बनाएंगे जिसमें पहला बटन होगा हमारा एक एंकर टैग यहाँ पर हम देते हैं देन यहाँ पर क्लास देंगे btn hyphen info देन ये हो जाएगा एडिट और इसका href हम कर देंगे hash। इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे डिलीट और इसे हम दे देंगे डेंजर। सेव सेव करने का हम इसे अगेन रिलोड करेंगे तो ये देखिए लिस्टिंग आ चुकी है, हमारा नेम आ रहा है नेम हियर एंड यहाँ पर एडिट टू डिलीट के बटन आ चुके हैं। इसे हम कॉपी करेंगे अगर पेस्ट एंड सेव अगेन रिलोड करते हैं तो ये देखिए हमारी ये प्रॉपर आ रहा है, एक पर हमारा डार्क आ रहा है एक पर नॉर्मल आ रहा है। तो इस तरीके से डिजाइन आती है, आप इसे बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा एंड सेव अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। तो देखिए यहाँ पर हमारा डेटा पूरा मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर एक बार आपका डार्क आ रहा है एक बार व्हाइट आ रहा है एक बार डार्क वो व्हाइट, इस तरीके से यहाँ पर आता जा रहा है। जब तक ये 10 नहीं आएंगे तब तक हमारा पेजनेशन बढ़ेगा नहीं, 10 रिकॉर्ड बढ़ते से हमारा ऑटोमेटिक पेजनेशन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी टेबल सेटअप हो चुकी है। अब हमें इस बटन के क्लिक पर एक पॉपअप ओपन करना है जिस पॉपअप के से हम कैटेगरी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक पॉपअप बनाना है जिसमें हम कैटेगरी ऐड करने का फॉर्म बनाएंगे। तो उसके लिए भी आपको मेरी वेबसाइट पर आना होगा, मेरी वेबसाइट के डेवलपमेंट स्क्रिप्ट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर बूटस्ट्रैप पॉपअप मॉडल मिलता है। देखते हैं बूटस्ट्रैप मॉडल, ये देखिए यहाँ पर आपको आ रहा बूटस्ट्रैप फॉर पॉपअप मॉडल। आप इसके रीड मोड पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड बटन मिलता है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर बूटस्ट्रैप फॉर पॉपअप मॉडल आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे हम करते हैं शो एंड इस फाइल को हम करते हैं कॉपी एंड यहाँ पर हम करते हैं इसे पेस्ट और इसे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसे रन करके देखते हैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप फॉर पॉपअप मॉडल एंड इसे हम करते हैं रन। एंड ये देखिए यहाँ पे जब क्लिक किया तो देखिए एक पॉपअप मॉडल आ रहा है। तो इस पॉपअप मॉडल को हमें लगाना है हमारे प्रोजेक्ट में।
इसके लिए हम ओपन करते हैं इसकी फाइल को हमारे वीएस कोड में एडिटर पर। तो यहाँ पर हम इसकी फाइल ओपन करेंगे, तो मैं कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ, साथ ही साथ हम इसके बैक जाते हैं। एंड यहाँ पर हम इसमें देखते हैं, तो ये रहा बूटस्ट्रैप फॉर पॉप मॉडल, एंड इसे ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें इसका पॉप मॉडल का कोड मिलेगा, इसकी सीएसएस जेएस ऑलरेडी लगी हुई है तो हमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें केवल पॉप मॉडल का कोड कॉपी करना है, तो हम यहाँ से मॉडल का कोड कॉपी करते हैं, यहाँ तक का पूरा हमसे देख लेते हैं कहाँ तक का कोड है। हाँ यहाँ तक ही कोड है पूरा, तो इसे हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम इसे कर देते हैं पेस्ट। एंड इसके बाद ये ओपन करने का कोड है, इसे हम कॉपी करेंगे और इसे लगाएंगे हमारे बटन पर जहाँ पर हमने टॉप पर एंकर टेक बनाया था, ये एंकर टेक के पास, यहाँ पे हम कर देते पेस्ट। एंड इसके बाद हम इसे रिलोड करेंगे, तो इस पर क्लिक करते हैं एड पर। तो देखिए हमारा पॉप मॉडल कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो हमें इसका लेआउट थोड़ा सा बिगड़ रहा है, इसे ठीक करना है। तो इसके लिए अगेन आप पॉप मॉडल पर आइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड ये जो बटन है आपका इसे यहाँ से कट कीजिए और इस H4 के जस्ट नीचे पेस्ट कर दीजिए एंड अगेन रिलोड कीजिए। तो देखिए आपका पॉप मॉडल प्रॉपर हो चुका है। एंड अब हमें इसे फॉर्म डिजाइन करना है, तो इसे फॉर्म डिजाइन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एड न्यू कैटेगरी, एंड यहाँ पर हम एक फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक रो रखेंगे और इस रो को हम कवर करेंगे फॉर्म टेक के अंदर। एंड यहाँ पर हम देंगे क्लास कॉल एसएम, सॉरी यहाँ पे हमारा फॉर्म रहेगा, हमने यहाँ पर गलती कर दी, डिव नहीं बनाना है। तो यहाँ पर हम देंगे फॉर्म स्लैश एंड फॉर्म, एंड इस फॉर्म को हम करते हैं यहाँ पर क्लोज। एंड इसके बाद इस रो के अंदर हमें बनाना है एक ड्यू जो होगा कॉल SM-12, देन इसके अंदर बनाएंगे ड्यू फॉर्म ग्रुप। एंड उसके बाद हमारे पास एक इनपुट फील्ड होगी जिसका टाइप होगा टेक्स्ट और उस पर क्लास होगी फॉर्म कंट्रोल और इसे करते हैं क्रिएट। एंड इसे हम कर लेते हैं अलाइन। एंड यहाँ पर हमें एक लेबल देना है, तो यहाँ लिखेंगे लेबल और लेबल में यहाँ पे लिख देते हैं कैटेगरी नेम और यहाँ पर हम लगा देते हैं नेम और यहाँ होगा प्लेस होल्डर नेम। एंड इसी तरीके से हम इसे कॉपी करेंगे बटन और यहाँ पे देंगे एड और इस बटन में हम देंगे क्लास btn btn-info एंड सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसे अगेन रिलोड करेंगे, तो ये देखिए हमारे यहाँ पे फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोज का बटन भी है एंड इसे करने पर ये हमारा फॉर्म वापस ओपन हो जाता है। तो हमें इस क्लोज बटन को हटा देते हैं, इसकी हमें कोई नीड नहीं, हमारे पास ऑलरेडी क्लोज का बटन है, तो हमारा पॉपअप थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो हम इसे हटा देते हैं यहाँ से एंड सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अगेन इसे रिलोड करेंगे, तो ये देखिए हमारी टेबल सेटअप हो चुकी है। एंड यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा यहाँ पे फॉर्म भी आ रहा है, सब कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पे टाइप भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा पेज सेटअप हो चुका है जिसमें हमने टेबल बना ली है एंड एड करने का पॉपअप बना चुके हैं। अब हम इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल से इसके डेटाबेस से रिलेटेड वर्क स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डेटाबेस की टेबल बनाएंगे एंड कनेक्टिविटी करेंगे और इस कैटेगरी की डिटेल को डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट टूल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपको मेरी वेबसाइट के प्रोजेक्ट सेक्शन में मेरे सारे ट्यूटोरियल की डिटेल मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे इन्हें देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।